तो मिलवाते हैं आपको एक ऐसे टैलेंट से जिन्होंने 7 साल की उम्र में गिटार बजाना शुरू किया और आज अभी वो बैठ के बस बजा रहे थे ना, लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत प्रोफेशनल एंड परफेक्ट हैं। सिर्फ वो गाना बजाते ही नहीं, गाना गाते भी हैं। और इनके 2 गाने जो उन्होंने गाए वो आज हम सुनने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं की इनकी इस गाने से हमें खुशी मिलेगी और आपको भी बड़ी खुशी मिलेगी। लेट्स वेलकम हम तीनों खवातीन, खूबसूरत खवातीनों की तालियों के साथ एक इकलौता मर्द हमारे पास है। लेट्स वेलकम द सिंगर ज़रियाब सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? हे ज़रियाब, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल ठीक। ज़रियाब, नाम का मतलब बताओ। ज़रियाब पता है? हाँ। क्या है? ये नाम मेरी अम्मी ने रखा है मेरा। लग रहा है कि अम्मी ने रखा होगा। और ज़रियाब का मतलब होता है पैसा बनाने वाला। ओए, तो नाम का असर होता है ये। आपको पता है ना नाम का असर होता है? हाँ बिल्कुल, हो रहा है। आपको हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, ये स्पीड में हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ। माशाल्लाह, अल्लाह में आपको बहुत तरक्की देगा, हमारी तो बहुत दिली ख्वाहिश है। और आप अगेन मैं कहना चाहूंगी, न्यू यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, बहुत खुशी होती है व्हेन आई सी पीपल लाइक यू। क्या बजाएंगे अभी? जो आप सुनेंगे पहले कुछ बजाएं, कुछ सुनाएं गाने के साथ, ठीक है? और उसके बाद फिर हम बातें करना शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से जो आपका पहला सॉन्ग है उसी से शुरुआत करते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि ओके। ये सॉन्ग मैंने 4th class में कंपोज किया था। 4th class? ओह माय गॉड। जब मैं 4th class में, उस वक्त मैंने नया नया गिटार सीखना शुरू करा था, तो मैंने ये बनाया था। बच्चे का साइकोलॉजिकल स्टेट बताएं। हाँ, और इतनी ये गाना इतने गहरे लिरिक्स कैसे बना, कैसे बना लिए वाकई? ये बाकी मुझे भी इनसे पूछना। क्लास 4 में कैसे कंपोज किया भाई? सीन ये था कि मैंने गिटार सीखना शुरू करा था। गर्लफ्रेंड थी? नहीं, गर्लफ्रेंड तो आज तक नहीं। दिल तोड़ दिया नहीं है। नहीं तो हमें ऐसे कैसे गाने कैसे किए तुमने? लाइक मेरा मानना ये है, जिस चीज में फील ना हो ना, वो चीज बेकार है। किसी के ऊपर बीत जाए ना, तो उसकी लाइफ देख कर मैं कभी वो किसी की लाइफ देख कर बनाता हूँ, कभी मैं खुद जो देखता हूँ मैं वो बनाता हूँ। अच्छा, अक्सर सिंगर का ये होता है कि जितनी सैडनेस डाल देंगे ना गाने में, उतनी फीलिंग आ जाएगी। गाने नहीं बताओ यार, है ना? नहीं, और रणबीर कपूर वाली कहानी नहीं होनी चाहिए कि एक रॉक स्टार अच्छा होता नहीं है, जिंदगी में कुछ बुरा होना चाहिए। नहीं नहीं, गुड फीलिंग्स नहीं हो सकती। नहीं, आपकी बात कहूंगा, ये बड़ी, मुझे भी काफी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बात में दर्द बहुत है, क्या तुम्हारा दिल टूटा है? सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस ये है कि इंसान की दिल टूटने वाली नहीं, एक इंसान की सोच होती है काफी लोगों के दिमाग में, ये है कि दिल टूट जाएगा तो एक रॉकस्टार बन जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। अब
लेकिन इतने बड़े बड़े सिंगर थे माशाल्लाह आतिफ असलम है, लव मैरिज किया उन्होंने, उनका दिल तो नहीं टूटा लेकिन एशिया के सबसे बड़े रॉक स्टार हैं। आर यू इंस्पायर्ड बाय हिम? I am a die-hard fan of Atif. I am a very, very big fan of him as well. I really like him. बहुत मकसद लाइक है मैं. लेकिन ज़ियाब, I must say one thing. Beautiful song. Thank you so much. And I would say बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह live गा लेते हैं. और बड़े मज़ेदार आपने गाया है. I am really impressed. Thank you so much. ज़ियाब कौन है? किस तरह शुरुआत हुई, आज कहां तक पहुंचे और आगे क्या कुछ कारनामे करने वाले हैं वो जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. तो प्लीज हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. आप कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस, वी बी राइट बैक. सावन भी तो जाए तेरा, सावन भी तो जाए तेरा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, सो गए पर दे ज़रियाब, आप अपनी जरा कहानी बताएं, अपनी ज़बानी. ज़रियाब सुल्तान 7 साल की उम्र से गिटार बजा रहे हैं. फॉर्मल ट्रेनिंग कब ली? आज से गिटार मैं 7 साल की उम्र से मैं गाना गा रहा हूँ. अच्छा, लेकिन गिटार मैं 7 साल पहले से बजा रहा हूँ. 7 साल पहले. ये 7 का नंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है. 7 नंबर मेरे फादर के लिए बड़ा लकी है. अच्छा. किधर आए? आपकी बर्थडे तो 7 तारीख को नहीं हुई? नहीं, मेरी बर्थडे अभी तक मैंने 1 हफ्ते पहले गई, 24 मार्च. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. अच्छा, तो आप गाना तो गा रहे हैं, अम्मी अबू की तरफ से हमेशा इंकरेजमेंट मिली? कभी ये नहीं सोचा कि नहीं गाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? सच बात बताऊं तो, हां सच बताइएगा, मैं जब छोटा था तो मैं बहुत बुरा गाता था. मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं. और मेरे घर वाले उस पे ही मुझे पागल हो रहे थे मेरे ऊपर, कि यार इतना प्यारा गा रहा है. और मैं उस वक्त समझ रहा था माँ बाप की नजर से देखोगे तो पता चलेगा ना. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि फिर जब अवेयरनेस आई म्यूजिक की, फिर मैंने सीखना शुरू करा. बेसिकली मैं ज्यादातर सुफियाना कलाम गाता हूँ. बहुत अच्छा. लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं. I've heard it. अक्सर समरा के साथ भी काफी शोज किए. बिल्कुल. लेकिन ये है कि सुफियाना ही गाता हूँ, मुझे पसंद भी सुफियाना है. लेकिन just because of fans मैं ये रॉक और थोड़ा सा ये जॉनरा डिफरेंट कर लेता हूं. इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा एक मिक्स होता है, तो आई थिंक दैट्स यू विल गो फर्दर. आई गेस वेरिएशन मतलब कि फैन की जो होती है ना स्पैन, वो भी थोड़ा बढ़ जाता है. अच्छा ज़रियाब, कभी बचपन में मस्तियां की हैं? बहुत. नॉटी थे? जज्बाती तो बहुत थे, लेकिन नॉटी थे? जज्बाती तो अभी भी हूँ. हाँ, वो तो नजर भी आ रहा है, टपक टपक के गिर रहा है. लेकिन शरारते करते थे बहुत ज्यादा. किसी को लाइक प्रैंक्स रैंक्स किए? मजाक मस्ती, किसी को बाथरूम में लॉक कर दिया, लाइटें ऑफ कर दी? नहीं, वो होता है ना, हमारे पड़ोसी थे, उन्हें अप्रैल फूल की अगर बात हो रही है. हाँ. तो उनके साथ ही किया था हमने सीन. देखिएगा जरा, एनालाइज करिएगा डॉक्टर तायरा. हाँ, उनको एक घर में बोला न्याज हो रही है हमारे, वो एक दूध का गिलास दे दिया, उन्हें उसमें चूना डाला हुआ था पान का. लेकिन उन्होंने देख लिया, उन्हें समझ आ गया कि बच्चा हरकतें क्या कर रहा है. हुआ नहीं, वरना आज पोल खुल जाती है, स्क्रीन देख लेते तो. अच्छा, और किसी और ने कभी आपके साथ कोई मस्ती की है इस तरह जो आप कहेंगे कि बुरा हो गया? लड़के यूजुअली बहुत नॉटी ऐसी हरकतें करते हैं एक दूसरे के दोस्तों के साथ. नहीं, मैं हां, ये बहुत क्या लाइट प्रैंक कॉल्स करते हैं लड़कियों को फजूल. नहीं नहीं, ये नहीं, आज ही बहुत है वैसे. लेकिन लाइट गई है, अगर लोड की शेडिंग चल रही है पाकिस्तान में, पता है आपको, तो लाइट गई है तो बेल के ऊपर वो लगा दिया जाके, क्या नाम है, टेप. ऐसे किया? ऐसी लाइट है,
ये भी बहुत कुछ किया हमने। डॉक्टर ताहिर ऐसे मस्तियाँ वैसे ये तो नॉर्मल में आती है ना, वैसे ये नहीं, बचपन में बड़ा बोरिंग सा और शाई टाइप गुजरा होता है शायद, मे बी इसकी वजह से वो बड़े होके अफेक्ट करते हैं। तुमने ऐसा किया है? नहीं यार। तो तुम्हारा कैसा है? आप अभी ट्राई कर ले, मैं आपको मजे की बात, अभी मत करवाइए। एक्चुअली कह सकते ना कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है, वो आपके मरने तक रहेगा। नहीं, दिल बच्चा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, डोंट मिक्स अप, वो गाना है। तो क्या बच्चा क्या होता है? हर इंसान के अंदर होता है। आपकी जो मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि बहुत सी मासूम ख्वाहिशें रह जाती हैं और वही निगलेक्ट हो रही होती है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन, उनको आप बेस्ट पॉसिबल वे से पूरा करें, ऐसे कि कोई और हर्ट ना हो, ठीक है। तो उससे आपको बड़ा मजा आएगा और इस एज में आपको करने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि यू आर मोर इन कंट्रोल। हाँ, और आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। नहीं, एग्जैक्टली। और आप कहीं भी नहीं जाएंगे ना, आपके पास ज्यादा अच्छे तरीके होंगे। ये आपको भड़काया जा रहा है, कोई शक नहीं करेगा। डॉक्टर ताहिरा, देखिए जो पकड़ जाने का खौफ होता है माँ बाप का, वो आई थिंक वो जिसे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, यू लाइक ओह माय गॉड, पसीने डर लग जाते हैं। अभी बच्चों की सिर्फ दिल की धड़कनें तेज होती हैं, पहले तो अच्छे खासे आपको पढ़ते भी थे, जिस्म के ऊपर भी माशाल्लाह काफी निशान थे। ऐसे ऐसे अम्मी अगर देख रही है तो मैं सबसे बड़ी, तो सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझे लगता है मेरे साथ ही हुए हैं। ऐसा? अच्छा, आपके साथ भी है? मेरे साथ भी यही हुआ है। सबसे बड़ी, मैं सबसे छोटी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गई। मैंने बाकी देखा, बेचारे बड़े फंसते हैं। जरिया, आप किस नंबर पे, ये बता दें? पहले नंबर पे अब तक हूँ मैं। अब तक है आप, अल्लाह का शुक्र है। आगे भी आप पहले नंबर पे रहे, लेकिन कभी लगी अम्मी से? बहुत, अभी भी लगती है। राइट लेफ्ट भी लगती है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, आगे जगह। जूते जूते रह नहीं सकती ना, पाइप होता था ना, पाइप पाइप भी मारा। और ये एक अच्छा हमारी उम्र का ट्रेंड, कभी वो लकड़ी का, वो अम्मी कहते ना वो स्केल जो होता था बड़ा वाला 12 इंच वाला फुट रूलर, उससे पड़ी है पटा हुई पहले टूट जाती थी। वो मेरी हरकतें कुछ ऐसी नहीं थी कि स्केल मुझे पूरा पड़े, कुछ तो कुछ और बिल्कुल ऐसी। आंटी को फोन में लेना चाहिए था आज, इनकी सारी पोल खोल जाती। लेकिन जरियाब आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं वो भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो स्टे विद अस, कहीं ना जाएगा, देखते रहिए ये है जिंदगी। वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त बहुत कम है तो बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस की तरफ आएंगे। जरियाब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आजकल क्या हो रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? आजकल मैं आईबीए यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट हो रहा है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान आईबीए में, आईबीए में, जिसके अंदर पूरे कराची की यूनिवर्सिटीज परफॉर्म कर रही हैं और उसको मैं जज कर रहा हूँ। वाओ, तो जितने भी मकसद मेरे फैंस भी हैं उनके लिए भी और जो सुन रहे हैं इस वक्त शो उनके लिए भी कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की डेट इज अलॉट डे फ्राइडे, जो वो लास्ट डेट है बिल्कुल। अच्छा, तो अभी इट्स ओपन? इट्स ओपन, ठीक है। और जितने भी मकसद जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो पाकिस्तान का वो ऊपर है, जिसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर वो आगे और मजीद इंशाल्लाह बढ़े। चले, जबरदस्त। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर ताहिरा, मैं कोई मैसेज, एनीथिंग रिगार्डिंग द टॉपिक? टॉपिक के रिगार्डिंग मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे मैंने प्रोग्राम के दरमियान में भी कहा कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो रहता है। फ़र्क सिर्फ ये कि कुछ लोग उसको दबा देते हैं, कुछ सुला देते हैं, कुछ सिरे से ही मार देते हैं। तो यू नीड टू कैटर इट, आप उसकी जो मासूमाना सी ख्वाहिश हैं उनको अटेंड करें एंड यू विल फील द डिफरेंस। जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं जी, बेसिकली वो इंटरनली ही डेवलप होती है और वो ऐसे ही डेवलप होती है जब आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को इंपॉर्टेंस देते हैं और उनको बेस्ट पॉसिबल वे से कैटर करते हैं जिससे कोई और हर्ट ना हो। क्या बात है, ब्यूटीफुल जी। इन द एंड मैं खुद यही इसी चीज़ को समराइज थोड़ा सा करूँगी कि अप्रैल फूल तो एक बिल्कुल अलग सी चीज़ है, ज़ाहिर है वो एक अलग सा एक सीन हो जाता है, लेकिन हाँ मजाक करना एक लिमिट तक, जिसमें आपको एक
सामने को, सामने वाले को एक अच्छी फीलिंग दें, उसके साथ आप अच्छे मोमेंट्स बाद में शेयर कर सकें, मेमोरीज बना सकें, सिर्फ उस लिमिट तक आप मजाक करें वो ज्यादा बेहतर रहता है। और इन दी एंड में एडवांस में अरसलान खान को बर्थडे विश करना चाहूंगी, आई लव यू, आई लव यू कह दो, नहीं नहीं वो घर जाके, वो घर जाके, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अरसलान। एंड आपको मैं चाहूंगी कि सारी दुनिया भी जो देख रही है वो हम सबको बहुत सारी दुआएं दे और हमारे लिए हमेशा प्रे करे कि हम ऐसे खुश रहें। क्या बात है, बिल्कुल हमारी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह मैं लोगों को सच में बहुत खुश रखे, प्यार मोहब्बत के साथ रखे। एंड इनके बाय द वे इनके हस्बैंड भी बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल समरा जैसे ही हैं, तो रियली नाइस। अल्लाह मियां सच बहुत आप लोगों को तरक्की भी दे, खुशहाली भी दे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते हुए आई नो आप लोग बोलेंगे सायरा प्लीज एक और गाना सुना दो, तो जरूर जरियावा हमें कुछ जबरदस्त सा गाना सुनाने वाले हैं। जाते जाते सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दूंगी दो तीन चीजों के हवाले से। ए, अगर अप्रैल फूल के बारे में बात करते हैं तो ये तो सिर्फ एक दिन है जिसको हम सिंबलाइज करते हैं मजाक मस्ती के हवाले से, और या इस पे प्रैंक्स भी करते हैं, तो आई थिंक लोग वैसे ही होशियार हो जाते हैं अब फर्स्ट अप्रैल को कि कुछ हो ना जाए, ये मजाक हो रहा है, या ये अगर सच्ची बात भी कहते तो उस पर यकीन नहीं होता फिर फर्स्ट अप्रैल को। तो बी वेरी केयरफुल, अपना वो जो भरोसा होता है उसको किसी एक पर्टिकुलर डे के वजह से तोड़ना या खराब ना करिएगा। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग जनरली अदरवाइज प्रैंक्स करना, मजाक करें एज लॉन्ग एज आप हंस सके उस इंसान के साथ, दूसरों के साथ हंस सके, उनके ऊपर ना हंसिए, किसी का दिल ना तोड़े। कहते ना अच्छा मोमेंट वो होता है जिसकी जबान से और पेट से किसी दूसरे मोमेंट का दिल ना टूटे, ये हमारा मजहब भी बोलता है। तो दिल बुरा ना करवाइए किसी का भी खुदा के लिए, क्योंकि दिल जब टूट जाते हैं तो फिर इंसान लगता है सिंगर बन जाते हैं। जरा गाने सुनेंगे, दिल नहीं टूटा, दिल नहीं तोड़ना है बिल्कुल भी। हम आप लोगों से इजाजत चाहते हैं, हम जरियाब का बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप सुना लें जरियाब, एक बात कहूंगी, जरियाब जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं चाहती हूं कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री जो रिवाइव हो रहा है, तमाम डायरेक्टर्स को भी अपील भी करूंगी, खुदा के लिए इस तरह के यंग टैलेंट को जरूर लेकर आए और उनसे गाने लें, राधा कि ये चले जाए पड़ोसी मुल्क अपना नाम बना लें और फिर यहाँ आए। जी आप, मैं कुछ भी नहीं कह रही, प्रॉमिस, अल्लाह हाफिज, मैं तरफ से जरियाब पहुंच रही हूँ। तेरी कमी मुझ में बसी, दिन है बाबा शाम बुझी, सो जाना था ए, सो जाना था ओ, मेरी आहटों की सरगम, तेरी सांसों की वो हलचल, मेरी बाहों में झूले जो पल वो कैसे।